हमारी काठी रथ है, देवउठनी 11 से प्रारंभ होती है और ये शिवरात्रि अमास तक हमारे ये काठी निरत चलता रहता है 3.5 महीने। क्या जिसके बाद में शिवरात्रि अमास के रोज भोलेनाथ के मंदिर में जाके इसको समर्पण कर देते हैं। कब से चली आ रही है परंपरा? ये हमारे की नहीं मालूम सब कितने रोज से चली आ रही है। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है? पीढ़ी से पीढ़ी चलती। ये अभी ध्यान है आपको कितनी कौन सी पीढ़ी है आपकी? ये हमारी 4थी 5वीं पीढ़ी चल रही है जो आपके ध्यान में है। अच्छा, और इसकी क्या विशेषता है, किसे तो आप यहाँ नगर में आते हैं चंदा इकट्ठा करते हैं? नगर में आते हैं, मन्नत मांगते हैं। अच्छा अच्छा, अभी मैंने कुछ जगह देखा है कि लोग घर के अंदर भी आपको बुलाकर भजन गा रहे हैं, तो इसका क्या लाभ है लोगों को जो ये सब मनोकामना उनकी पूरी हो जाती है? कहते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए, हमारे यहाँ लड़का हो जाए, माँ के श्री या भोलेनाथ या कहीं वो मन्नत मांग लेते हैं और उनकी कामना पूरी हो जाती है, इसलिए वे 5 साल के लिए 7 साल के लिए 1 साल के लिए निमंत्रण करते हैं रात में और वो रात में हम कार्यक्रम करते हैं। अच्छा, रात का कार्यक्रम किस प्रकार से होता है, उसमें क्या होता है? रात में ही नाचना गाना होता है पूरा। अच्छा, क्या पूरी मंडली के साथ आप लोग आते हैं? हाँ, अगर किसी की मन्नत पूरी होती है तो वो बुलाते हैं। हाँ, अच्छा।